हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर स्लीव का कपड़ा हमारा छोटा था जिसमें मैंने जॉइंट लगा लिया है, तो अभी हम इसे हटा लेंगे। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है, तो इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। आस्तीन की लंबाई यहाँ पर 10.5 इंच की है, जो कि सिलने के बाद तैयार 9.5 में आ जाएगी। तो आस्तीन की चौड़ाई यहाँ पर 9.25 इंच की है। 3 इंच पर मैंने आस्तीन को डाउन किया है। ये हमारा बैक का शेप है और ये हमारे फ्रंट का शेप है, तो 1/2 इंच का गेपिंग है दोनों के बीच में। 7.5 इंच पर यहाँ पर आस्तीन की गोलाई है और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है। यहाँ से 5 इंच पर आस्तीन की मोहरी रखेंगे और नीचे से 2.25 इंच पर मैंने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखा है। आप अपने हिसाब से 1.5 इंच पर भी सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। आस्तीन को फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। नीचे से देखिए, हमें इसमें बॉर्डर भी अटैच करना है, तो बॉर्डर की चौड़ाई देख लेते हैं। ये हमारा 1.25 इंच पर आ रहा है बॉर्डर की चौड़ाई, तो अभी हमें इसे हटा लेना है। नीचे से 1/2 इंच छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। आप बॉर्डर के लिए यहाँ पर 1.25 इंच छोड़ देंगे। तो अब डिज़ाइन के लिए हमें इसमें मार्किंग करना है, तो 1 इंच चौड़ाई का हमें यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। पहले नीचे से भी 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर सीधा लाइन खींचकर एक बॉक्स बना लेंगे। तो आस्तीन को फोल्ड करके यहाँ पर इस निशान को दूसरे साइड भी बना लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर निशान को डार्क कर लेंगे और ये बॉक्स जो है हमारा वो दूसरे साइड भी छप चुका है इस तरीके से। तो यहाँ पर गोलाई शेप लेना है और देखिए हाफ सर्कल यहाँ पर बना लेना है। तो ऊपर से मैंने यहाँ पर 1/2 इंच छोड़ दिया है, तो इस तरीके से 3 हाफ सर्कल मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो यहाँ तक ही हमें सिलाई लगाना है, देखिए 1/2 इंच ये नीचे से। तो अभी हम इसे हटा लेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसे सीधा करके रखेंगे और ऊपर की साइड से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर गोलाई में जो हमने हाफ सर्कल बनाया है उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे पहले। तो अच्छे से यहाँ पर गोलाई में फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेना है। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब सीधा यहाँ से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ तक ही हमें सिलाई लगाना है। बीच से कपड़े की कटिंग कर लेंगे और जहाँ पर कोना है वहाँ पर कट लगा लेंगे, और गोलाई शेप में भी यहाँ पर कट लगा लेना है। बीच से यहाँ पर कपड़ा निकाल लेंगे, देखिए जहाँ पर कोना है वहाँ पर अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो सभी जगह पर जो जहाँ हमारा गोलाई है वहाँ पर अच्छे से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर कट लगा लेंगे सभी जगह पर, और कोने पे भी देखिए दोनों कोने पर भी मैंने यहाँ पर कट लगा लिया है। अब इसे पलट लेंगे तो गोलाई शेप जो है हमारा उसे अच्छे से पलट लेना है इस तरीके से। अब आस्तीन को होल से अंदर की साइड से अस्तर को पलट लेना है। तो आस्तीन को सीधा कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब इसे फोल्ड कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे फोल्ड कर रही हूँ। तो अस्तर का कपड़ा और मेन कपड़ा दोनों में मैंने यहाँ पर कट लगा लिया था मोहरी की साइड में, तो दोनों निशान को मिलाकर यहाँ पर नीचे की साइड सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन देकर सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए आस्तीन को यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद मोहरी की साइड हमें सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगाने से पहले नाखून से सेट कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर सिलाई लगाना है। तो देखिए नीचे की साइड मैंने सिलाई लगा लिया है। अब जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन बनाया है उसी के ऊपर सिलाई लगाना है। तो गोलाई वाला जो हमारा शेप है वहाँ पर अच्छे से सल निकालते हुए सिलाई लगाना है। तो पूरे गोलाई वाले जगह पे हमें यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेना है। तो
यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अब इस साइड से हमें सीधा सिलाई लगा लेना है। अब आस्तीन को पीछे की साइड पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ पर अस्तर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ जोड़ लेंगे और जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीधा मैंने चौक से मार्किंग कर लिया है। तो जो हमारा गोलाई वाला शेप है वहाँ पर हमें गोल्डन डोरी इस तरीके से लगा लेना है। तो यहाँ पर गोलाई में गोल्डन डोरी को घुमाते हुए सिलाई लगा लेना है फिनिशिंग के साथ। ऊपर से हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देना है। तो देखिए एक हाफ सर्कल में मैंने यहाँ पर गोल्डन डोरी लगा लिया है। तो इसी तरीके से बाकी दोनों जगहों पर भी मैंने हाफ सर्कल में गोल्डन डोरी अटैच कर दिया है। तो अब हमें इसमें लेस लगाना है। तो इस तरीके से लेस लगाकर जो हमने डोरी लगाया है उसे पैक कर देंगे। एक्स्ट्रा लेस की यहाँ से कटिंग कर लेंगे और लेस के ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने लेस लगा लिया है। अब ये हमारा साड़ी का बॉर्डर है जिसे आस्तीन में अटैच करना है। तो इसे फोल्ड करके बीच से मार्किंग कर लेंगे। आस्तीन में भी मैंने यहाँ पर बीच में मार्किंग कर लिया है। तो बॉर्डर को ऊपर से आधा इंच मोड़ देंगे और दोनों मार्किंग को बीच से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे नीचे की साइड से। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेना है और इस साइड से भी हमें आधा इंच अंदर से फोल्ड कर देना है बॉर्डर को और दूसरे साइड भी यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे बॉर्डर के ऊपर। तो यहाँ पर आस्तीन में मैंने बॉर्डर को अटैच कर दिया है। तो अब हमें इसमें मोती लगाना है। तो जो हमने हाफ सर्कल बनाया है उसके बीच में यहाँ पर मोती अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ की मोती यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से मोती यहाँ पर ले सकते हैं। तो फोर फोल्ड में धागा लेकर दो बार हमें मोती में यहाँ पर धागा ले लेना है। तो एक हाफ सर्कल में मैंने यहाँ पर बीच में दो मोती लगाया है। तो मोती लगाने के बाद अच्छे से नॉट लगाकर धागे को कट कर लेंगे। तो बाकी दोनों जगहों पर भी हमें यहाँ पर मोती लगा लेना है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों जगहों पर भी मैंने मोती लगाकर अटैच कर दिया है। तो इस तरीके से आज का आस्तीन डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो आज का आस्तीन डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।